सर बताएं कि ये घराट कितना पुराना है? 9 साल के भी ऊपर हो गया। अच्छा जी, तो इसका निर्माण किसने किया था जी, इस घराट का? हमारे दादाजी। अच्छा जी, दादाजी ने किया था। तो आप लोग उनकी विरासत को अभी तक संभाल के आपने रखा है, ये बहुत अच्छी बात है। इस घराट में आटा पिसवाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? मेहरी काफला पंचायत के लगभग सभी लोग यहाँ आते हैं। मैं इस वक्त घराट के अंदर हूँ और आपको बताएंगे कि घराट में किस तरह से कार्य किया जाता है। तो मेरे साथ जो इस घराट के मालिक हैं वो इस वक्त हैं और ये पिछले काफ़ी सालों से घराट का काम कर रहे हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या टेक्निक रहती है इसमें जिससे आटा पीसा जाता है। तो सर बताएं कि ये आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? हमने ये नीचे कराया जी, और ये तड़ी है जी, ये नीचे से ऊपर को कील आया है। हाँ जी, हाँ जी, ये गरड़ा है नीचे। अच्छा, पानी में जी जी, उससे लगा है ऊपर को कील जी, और ये फिर इसको चढ़ाएंगे इसको बट को जी। हाँ जी, हाँ, इसे बट कहते हैं यहाँ की स्थानीय भाषा में। हाँ जी, जी। ये हुडली है, इसे हुडली कहते हैं। इसका काम क्या रहता है जी? इसमें दाने डालते हैं ना जी। अच्छा जी, और इसमें एक घोड़ी है, ये इससे चलता रहता है फिर पानी में, उनके दाने चलते रहते हैं जी। हाँ जी, ये हमने जाना इसके बारे में कि ये क्या कहते हैं जी, एक बार फिर से बताएं इसके बारे में। ये जी, हाँ जी, ओडली है। ओडली, ओडली यहाँ की बोली में इसे कहा जाता है। घराट का ये चक्का अच्छे से पिसाई नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण इसे पहले निकाल दिया गया था और अब जो इसकी समस्या थी, इसमें जो समस्या आई थी उसे दूर कर इसे फिर से फिट किया जा रहा है ताकि ये अच्छे से कार्य कर सके। ये देखिए पोटली इसमें जोड़ते हुए। घराट में पीसे गए अनाज का आटा काफ़ी पौष्टिक माना जाता है। उस आटे को तैयार करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना परिश्रम किया जाता है, ये आप देख पा रहे हैं। गुरबख्श जी लगातार पिछले 1.5 घंटे से इस घराट में आई खामी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही इसे दूर कर लेंगे। ये घराट अब बन चुका है, अब इसे कैसे चलाया जाता है, ये चक्का कैसे घूमता है टरबाइन के सहारे, अब हम वो भी आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से इसे खोला जाता है, पानी बिल्कुल ब्लॉक किया गया है यहाँ से। जब यहाँ से पानी नीचे जाएगा टरबाइन घूमेगी। ये देखिए इसे खोला जा रहा है, पानी का बहाव बिल्कुल घराट के अंदर जा रहा है यहाँ से। अब हम अंदर चक्की चलते हुए भी आपको दिखाते हैं। ये इस घराट का पुराना टरबाइन है। टरबाइन घराट की निचली सतह पर लगा होता है, ऊंचाई से इसी टरबाइन पर पानी छोड़ा जाता है। पानी के संपर्क में आने पर इन पंखुड़ियों के सहारे ये टरबाइन घूमता रहता है। बीच में इस लकड़ी के बीच में खूंटी के सहारे इसे चक्के से जोड़ा जाता है और जैसे जैसे टरबाइन घूमता है उसी गति से घराट की ऊपरी सतह पर चक्का भी घूमता रहता है और अनाज की पिसाई हो जाती है। इन तराशे हुए पत्थरों को चक्का, बट या पाट कहते हैं। ये गोल गोल घूमकर अनाज की पिसाई करते हैं। इन चक्कों को टरबाइन के सहारे घुमाया जाता है।
घराट का रिपेयर कार्य समाप्त हो चुका है। अब ये घराट अनाज की पिसाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। जी इसके बारे में बताएं जी, ये पत्थर ये है, बट्टी बोलते हैं हम इसको। अच्छा जी, और ये 2 किलो है। अच्छा, ये 2 किलो का है। हाँ जी। और दूसरा पत्थर जी? ये 4 किलो का है जी, इसको धड़ी बोलते हैं। इसे धड़ी कहते हैं। हाँ जी। ओके जी, और 2 पत्थर और भी हैं जी नीचे। ये है शेर। अच्छा शेर। हाँ जी, ये इसको आधा किलो का शेर। हाँ जी जी। और ये है पाया। पाया 250 ग्राम। हाँ जी, ये 250 ग्राम वाला। अच्छा जी। अच्छा, ये पाया होता है। अच्छा जी, इसको हम 100 ग्राम बोलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, आपके पास तोलने के लिए भी आपने जो हमारे पारंपरिक वेट हैं वही रखे हैं? पुराने रखे हैं। पुराने ही रखे हैं आपने। ठीक है जी। हाँ जी, और अनाज पीसने के बदले आप? नहीं, हम अनाज ही लेते हैं। अनाज ही लेते हैं। हाँ जी। कुछ परसेंट? हाँ, 15 किलो 15 किलो के पीछे आप 1 किलो अनाज लेते हैं। बहुत ही सस्ता रेट है आपका। आप मुझे बताएं कि इसका निर्माण करने के लिए पानी की कितनी आवश्यकता पड़ती है? 4 गैलन चाहिए। अच्छा, और 12 महीने पानी? 12 महीने चाहिए। और हाइट चाहिए। अच्छा जी, हाइट कितनी चाहिए होती है? जितनी हो, ज़्यादा हो जितना ही अच्छा है। अच्छा जी, जितनी ऊंचाई से पानी गिरेगा उतना अच्छा है। अच्छा है। एक चीज़ और बताएं जी, जो इसमें बट यूज़ होते हैं घराट में, ये आप कहाँ से लाते हैं? हम पहले तो लाते थे नीचे से ही, पंजाब से। अच्छा, अब यहाँ हैं, हट से करते हैं अपने से तैयार। अच्छा जी, तो आप स्वयं भी तैयार करते हैं? हाँ जी, हम भी। बहुत अच्छा जी। और एक चीज़ और बताएं, जैसे आजकल घराट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो आप बताएं कि पानी की कमी है जी सारी? पानी की कमी के कारण? हाँ जी, कई जगह पानी भी होता है लेकिन फिर भी चलाते नहीं चलाते हैं, क्योंकि ये परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बस ये है ना, इसमें पिसाई कम होती है। हाँ जी, और गुजारा नहीं होता इसमें। अच्छा जी, गुजारा कम होता है। गुजारा कम होता है। सर आप मुझे बताएं, यदि कोई घराट का निर्माण करवाना चाहते हैं कोई, तो उसमें कितना खर्चा आ जाता है? 50,000 में ये बन जाएगा। हाँ जी। और उसके लिए कारीगर कहाँ से मिल पाएंगे? क्या हम ही बना देंगे? आप भी बना लेंगे? हाँ जी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज की डेट में भी यदि कोई घराट बनाना चाहता है, बहुत ही सस्ता ये साधन है अनाज पीसने की चक्की बनाने के लिए। और ये बड़ी बात है कि इस घराट को बनाने के लिए कारीगर आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल हमारे साथ श्री गुरु बख्श जी, ये स्वयं घराट तैयार करते हैं। ये बहुत खुशी की बात है।